बेटर रिजल्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर सेमिस्टर वन और फॉर सेमिस्टर टू। भैया ये है क्या एंड व्हाट इज इट एंड क्या भैया ये आईसीएसई एंड आईएससी के लिए अप्लाई हो सकते हैं? ठीक है, तो यार पहले बोलूंगा यार वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में इसको डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। ठीक है भैया, क्या बोले आपने अभी कि बेटर रिजल्ट या फिर बेटर मार्क्स विल बी कंसिडर्ड बाय द काउंसिल? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार मान लो तुम लोग सेमिस्टर वन एग्जाम्स ऑलरेडी यार सब लोग दे दिए हो, राइट? अच्छा, सामने क्या है, सेमिस्टर टू एग्जामिनेशंस है। पहले यार मैं बोलूंगा यार फेक न्यूज के ऊपर यार थोड़ा ध्यान मत देना। जो लोग बोलते हैं रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, ये हो गया, वो हो गया, तो वो सब देखना नहीं है हमको। जेन्युइन ओरिजिनल न्यूज चाहिए जो कि अभी तक काउंसिल ने नहीं दिया है, ठीक है? बट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठ गया है फॉर सीबीएसई, क्या वो आईएससी के लिए अप्लाई हो सकते हैं कि बेटर रिजल्ट विल बी कंसिडर्ड? ठीक है, अच्छा भैया थोड़ा डिटेल्स में यार बोलिए। बात यह है कि सेमिस्टर वन तुम लोग दिए हो, तुमको एक नंबर मिल गया, राइट? मतलब मिलने वाले हैं, राइट? एंड तुम लोग सेमिस्टर टू के लिए भी प्रिपेयर करने वाले हो, तो अकॉर्डिंग टू आईएससी या फिर आईसीएसई काउंसिल्स रूल, राइट नाउज रूल, वो ये है कि सेमिस्टर वन का जो मार्क्स है एंड सेमिस्टर टू का जो मार्क्स है, दोनों को इवेल्युएट करके तुमको एक फुल नंबर दिया जाएगा, ठीक है? बट इधर अगर तुम इधर आओगे, इधर तुम देख सकते हो सीबीएसई एग्जाम्स ए सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन द कंडीशन इन सीबीएसई पॉलिसी टू कंसीडर मार्क्स स्कोर्ड इन लेटर टेस्ट। मतलब क्या, इधर सीबीएसई ये बोल रहा है, मतलब ये कोर्ट के अंदर वो जो पिटिशन किया उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। सीबीएसई क्या बोल रहा था? सीबीएसई बोल रहा था कि बच्चे दो ही एग्जाम्स दे रहे हैं, सेमिस्टर वन भी दे रहे हैं एंड सेमिस्टर टू भी दे रहे हैं, राइट? एंड जिस सेमिस्टर के अंदर उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा उसको सिर्फ कंसिडर करवाया जाएगा या फिर किया जाएगा, ठीक है? अच्छा भैया, क्या ये सिर्फ दोनों सेमिस्टर के सब्जेक्ट वाइज होगा या फिर दो सेमिस्टर के एवरेज मार्क्स होगा? ये चीज़ अभी तक सीबीएसई ने कंफर्म नहीं किया है। फर्स्टली ये फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीएसई या फिर आईएससी के लिए अभी तक कुछ एज सच कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है? मैं अगेन क्लियरली बोल रहा हूँ, एज सच आईसीएसई के लिए कुछ बोला नहीं गया, बट शायद ही आईसीएसई के लिए अप्लाई होने का चांसेस है, मतलब शायद है, इट इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड। नंबर टू पॉइंट क्या है, मान लो यार बहुत लोग का यार फिजिक्स अच्छा नहीं गया, फॉर एग्जाम्पल फॉर आईसीएसई और आईएससी, ठीक है? एंड अगर तुम्हारे सेमिस्टर वन का फिजिक्स का मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा एंड सेमिस्टर टू का मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा, तो ऑन दैट केस हो सकता है तुम्हारे एवरेज मार्क्स कम है। बट ऑन द सेम नोट, अगर काउंसिल ये बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे सेमिस्टर वन के मार्क्स कंसिडर नहीं करूंगा, सेमिस्टर टू के मार्क्स ही कंसिडर करूंगा या फिर तुम्हारे वो नंबर कंसिडर करूंगा जिस नंबर में तुमको ज्यादा मार्क्स आ रहा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो क्या ये चीज बेहतर है? अभी तुम लोग मेरे को बोलो कि क्या एवरेज मार्क्स लेना चाहिए अगर ऐसा कुछ काउंसिल सोचते हैं तो, या फिर क्या उस नंबर लेना चाहिए जिस नंबर में तुमको हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल लाइक जेईई मेंस एग्जामिनेशन, मतलब तुमको चार एग्जाम लिया जा रहा है जिसमें तुम्हारा हाईएस्ट परसेंटेज आएगा उसको ही कंसिडर किया जा रहा है। अभी तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बोलो कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा नहीं गया था फॉर आईसीएसई एंड आईएससी, एंड क्या अगर ऐसा सीबीएसई जो सोच रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी चल रहा है, क्या ऐसा कुछ आईसीएसई को सोचना चाहिए राइट नाउ? मैं अगेन बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ फेक न्यूज़, गो एंड चेक इट राइट नाउ, ठीक है? एंड फेक न्यूज़ के चैनल्स बहुत है यार यूट्यूब में, तुमको पता है कौन फेक न्यूज़ बनाता है, ठीक है यार? उसको भी जाके एक बार देख लो, उनको भी यार अच्छा लगता है, राइट? एनीवेज यार, जो ट्रू न्यूज़ है उसको यार थोड़ा फैला देना, ठीक है? एंड क्या ये कुछ अच्छा है कि देखो बहुत लोग यार सेमिस्टर में कुछ कुछ सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया, तो अगर काउंसिल ऐसा सोचता है कि उस सब्जेक्ट का उस नंबर ही हम कंसिडर करेंगे जिसमें तुम्हारा ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, क्या ये बेहतर है? ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एंड अभी जो तुम लोग देख रहे हो यार पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हुआ था रिगार्डिंग तुम्हारे सीबीएसई के, तो अगर इसका तुम पूरे जस्टिफिकेशन या फिर पूरे अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मेरे को कमेंट करो। एंड हमारे सेकेंड चैनल है यार लर्न विद आकाश, उसके अंदर जाके भी यार फॉलो कर लिया करो, बिकॉज उधर भी हमने न्यूज़ वगैरह डालता हूँ, ठीक है? एंड सॉरी फॉर लेट वीडियो, बिकॉज मेरा खुद का ट्यूशंस था यार, ठीक है? मैं पढ़ाता हूँ यार क्लास 12 को, राइट? जो लोग पढ़ना चाहते हो कंप्यूटर मेरे को इंस्टा में डीएम कर सकते हो, एंड जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हो वो लोग भी मेरे को डीएम्स कर सकते हो, मैं प्राइवेटली पढ़ाता हूँ, ठीक है? बहुत ही सस्ते में एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट होता रहता है, मतलब पूरा लाइव बैठा के, ठीक है, गूगल मीट के द्वारा। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे यार, फैला दो इस वीडियो को विद ऑल योर फ्रेंड। गुड बाय, गुड नाइट एंड कीप वॉचिंग आकाश टॉक्स, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।